और 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होगी। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 38 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। और इसके अलावा बता दें आपको, धान खरीदी करने के लिए मैनुअल टोकन भी जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है। 38 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। धान खरीदी करने के लिए मैनुअल टोकन भी जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। 22-23 में 138 समितियों के माध्यम से धान खरीदी किया जाना है। समितियों के द्वारा पूरा व्यवस्था कर लिया गया है और शासन के द्वारा सुरक्षा भंडारण के लिए 1,03,00,000 समितियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। और डीमो के द्वारा बरदाना की व्यवस्था पूरा हो चुके समिति में पहुंच चुका है।